पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। चिदंबरम की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की यह खबर कि पी चिदंबरम की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम एक कैदी के तौर पर वहां पर हैं और जमानत के लिए जो अर्जी उनकी तरफ से लगाई गई थी वो अर्जी खारिज कर दी गई है। 5 सितंबर, जी हां, आज 30 सितंबर है। करीब 26 दिनों से पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था, तब से लेकर के अब तक चिदंबरम की मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद में पहले उन्हें जुडिशियल कस्टडी से पहले उन्हें रिमांड पर भेजा गया और इसके बाद में फिर गिरफ्तारी के बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, मगर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।